हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का पांच कदम का अगला सेशन। और इसमें भी पांच अलग अलग क्वेश्चन आपके मैं लेके आया हूं और आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सीधा का सीधा हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सबसे पहला सवाल आपके डायरेक्शन से ही है और पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे कि कैसे बनेगा। मुकेश का मुख दक्षिण की ओर है, चलिए जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा उस तरह से हम लोग कर देना। मुकेश का मुख क्या है? चलिए एक लड़का है जी, कौन है ये? मुकेश नाम का एक लड़का है, ठीक है, बन गया ना। इसका मुख दक्षिण की ओर है, चलिए ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। मुकेश का मुख दक्षिण की ओर है और सीधा 5 किलोमीटर चलता है। चलिए मुकेश का मुख क्या है? दक्षिण की ओर है, सीधा क्या चलता है? 5 किलोमीटर चलता है इस डायरेक्शन में। अब क्या करना है? वहां से 90 डिग्री के कोण पे मुड़ जाता है जी, यहाँ से 90 डिग्री के कोण पे मुड़ता है, यानी कि किधर मुड़ेगा और कहाँ? दाएं मुड़ता है, तो दाएं किधर हो जाएगा? इधर। ये क्या हो जाएगा? पूरा 90 हो जाएगा। ये क्या है? पूरा 90, यानी कि टोटल 360 होता है, तो चारों भाग क्या होता है? 90 90 होता है, तो 90 डिग्री मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। कितना चलता है 90 डिग्री मुड़कर? 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद फिर 45 डिग्री के कोण पे अपने बाएं मुड़ता है, यहाँ से फिर 45 डिग्री के कोण पे मुड़ा, ये बन गया जी। अब यहाँ से 45 डिग्री के कोण पे बाएं मुड़ रहा, इस डायरेक्शन में चला था, बाएं किधर आ जाएगा? नीचे। ये पूरा 90 होता है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा। और 3 किलोमीटर चलता है, कितना चलेगा? 3 किलोमीटर। अब बताना है कि प्रारंभिक स्थिति से वो किस दिशा में होगा? प्रारंभिक स्थिति यानी कि पहले कहाँ था ये स्थिति? यहाँ था। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? यहाँ की स्थिति बताना है, यानी कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो इस स्थिति क्या हो जाएगा जी? तो वेस्ट और ये साउथ का क्या हो जाएगा? बीच में हो जाएगा, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के ये दिशा में है। प्रारंभिक स्थिति से जो है क्या है? दक्षिण और पश्चिम की दिशा में है। पहले यहाँ था, अब हो गया यहाँ, हो गया, देखिए है ना, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। तो डायरेक्शन से सवाल ऐसा आता है और बिल्कुल 2 से 3 प्रश्न आपके डायरेक्शन से सवाल पूछा जाता है, तो इजीली आप कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। कॉन्सेप्ट कब पता होगा? जब आप देखोगे वीडियो देखोगे, उसके बाद अपने से जब तक नहीं रिवीजन करोगे, अपने से नहीं बनाओगे अलग अलग प्रश्न, अलग अलग आधारित टाइप पे नहीं बनाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो मेहनत करना है, कॉन्सेप्ट सीखना है और आपको क्या करना है? रिवीजन करना है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने मैं लेकर आता हूं और ये दूसरा सवाल आपके सामने रहा, बहुत ही अच्छा। ब्लड रिलेशन से ये प्रश्न बोल रहा है कि पी क्यू और आर का भाई है। चलिए पी है जो क्यू और आर का भाई है, क्यू है और आर का क्या है जी? भाई है। क्या है? पी है, यानी कि पी का हमको जेंडर पता चल गया लेकिन एक्स क्यू और आर का नहीं दिया गया है, अभी इसको नहीं पता चला। पी का भाई हो गया, क्यू आवार पी का भाई हो गया। चलिए अब एस आर की माता है, एस है जो आर की माता है, ये मम्मी हो गया जी, आर की मम्मी, यानी कि ये इसका भी मम्मी, पी का भी मम्मी और क्यू का भी मम्मी हो गया ना, ये सब भाई बहन है, तो इसका मम्मी यानी कि इसका मम्मी। चलिए उसके बाद टी पी का पिता है, टी है जो पी का पिता है, टी इस ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव से हो जाएगा, ये दोनों क्यों हो जाएंगे? मम्मी पापा हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। टी ये तीनों के पापा हैं और एस है जो तीनों के क्या है? मम्मी है, तो ये क्या हो जाएंगे? पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। पति पत्नी को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है? अब एक कथन दिया गया है चार, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तीन को सत्य और एक असत्य है। चलिए देखिए, टी एस का पति है, टी है जो एस का पति है, बिल्कुल है, एस पत्नी है और टी है क्या? पति है, यानी कि पति पत्नी है, एस बिल्कुल सही है। एस पी की माता है, एस पी की माता है, आर की मम्मी है, तो पी की भी मम्मी हो गया, ये भी सही है जी। टी क्यू का पति है, टी है जो क्यू का पति है, नहीं ये तो बाप बेटा हो गया या बाप बेटी होगी, ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका सवाल। टी क्यू के पिता है, टी है जो क्यू का पिता है, तो बिल्कुल है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
चलिए इस तरह का सवाल देखें कैसे बना, कॉन्सेप्ट को सीखिए, आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल आपको दिखाते हैं कि कैसा है। चलिए ये आ गया जी, सिटिंग अरेंजमेंट से पांच छात्र एक पंक्ति में बैठा हुआ है। चलिए पांच छात्र हम लोग एक पंक्ति में बैठा लेंगे, बैठाइए। पहला छात्र ये रहा आपका, दूसरा छात्र ये आपका, तीसरा ये आपका, चौथा और ये आपका पांचवा, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और पांच। एक पंक्ति में पांच लड़का है और पांचों का सिटिंग दिया गया है कि कुछ किसके आगे किसके बगल में कौन दाएं है कोई बाएं है, ये दिया गया है। हमको बैठाना है और उसके बाद बताना है कि आंसर, ठीक है ना। चलिए बैठाइए, अब सवाल पढ़िए। सुनील ने ना तो आस्था का पड़ोसी है और न ही श्याम का पड़ोसी है। सुनील एक लड़का है जो आस्था और श्याम का पड़ोसी नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे पढ़िए। आस्था श्याम की पड़ोसी है और वह पंक्ति में बाएं छोर पे है। तो चलिए देखिए, बाएं छोर कहाँ हो जाएगा, ये दाएं छोर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका बाया छोर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आस्था है जो श्याम का पड़ोसी है और पंक्ति में बाएं छोर पे है, कौन है आस्था है जी। आस्था क्या है जी, बाएं छोर पे है और श्याम का पड़ोसी है, तो श्याम बगले में हो जाएगा। बगल गिरे के ना पड़ोसी कहते हैं, तो बगल वाला पड़ोसी, तो बगल में श्याम और बाएं पंक्ति बाएं छोर पे क्या हो जाएगा आस्था हो जाएगी। चलिए ये आपका पूरा हो गया, अब आगे पढ़िए। सुनील मंजीत का पड़ोसी है, सुनील है जो मंजीत का पड़ोसी है और मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में है, यानी कि बीच में कौन हो जाएगा, तीसरा नंबर वाला बीच में हो जाएगा, यानी कि मनजीत मंजीत बीच में है। अब सुनील मंजीत का पड़ोसी है, तो बगल गिर हो गया क्या सुनील, यानी कि मंजीत का पड़ोसी कौन है सुनील है। अब अमिता बच गया जी, तो अमिता क्या हो जाएगा यहाँ पे पांचवा नंबर दाएं छोर पे हो जाएगा। अब आपके पास सवाल है, सुनील का पड़ोसी कौन है, सुनील का पड़ोसी कौन है जी, तो सुनील का पड़ोसी ये सुनील है, इसका पड़ोसी ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। बीच में आपका घर है, ये घर है जी, ये क्या है घर है, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ एक घर है यहाँ, तो दोनों ना पड़ोसी हो गया, ई पट्टी वाला भी ओ पट्टी वाला भी, तो क्या हो जाएगा मंजीत और अमिता दोनों क्या हो जाएगा सुनील का पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्ट समझिए बस अपने आप बन जाएगा। इसमें दिया जाता है जैसे कि आपके पास सारा कुछ उपलब्ध है, चना भी है, गोभी भी है, आलू भी है, मसाला भी है, लहसुन प्याज सब है, तेल मसाला सब है। अब आपको सारा कुछ दे दिया गया है तो सब्जी बना लीजिएगा ना। अब जिसको नहीं आता है बनाने वो तो फंस जाएगा, आगे क्या भूंजना है क्या डालना है पता नहीं चलेगा, और जिसको आता है आराम से कर लेंगे। उसी तरह से ये भी है, सारा कुछ दिया गया है और जिसको आता है, जो कॉन्सेप्ट जानते हैं, जो देखे हैं, जो बनाए हैं प्रैक्टिस किए हैं, वो आराम से बना लेंगे, और जो नहीं किए हैं वो तो फंस जाएंगे ना, कहाँ पे किसको बैठाना है। तो उसी तरह से सब्जी वाला भी है, जिसको आता है आराम से अच्छा से सब्जी बना लेंगे चटपटेदार, और जिन नहीं आता है तो वो तो फिर दूसरा कोई खैर नहीं करेगा जो उसका सब्जी, तो ठीक है। अगला सवाल आज का ये रहा, चलिए बहुत ही बेहतरीन सवाल, कथन और निष्कर्ष से देखिए। कथन कह रहा कि राजनेता केवल सुंदर लड़की से शादी करता है, राजनेता क्या है जो केवल सुंदर लड़की से शादी करता है, एक एक सुंदर लड़की है। राजनेता का दिया गया है जी, एकदम दिया गया है, फिक्स्ड है कि ये सुंदर लड़की से शादी करेगा, सुंदर लड़की से शादी करेगा जी, सुंदर लड़की से शादी करेगा, और एक एक सुंदर लड़की है, एक है जो सुंदर लड़की है, क्या है सुंदर लड़की है। लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए ये बोल रहे हैं, बस आप समझिए। अब निष्कर्ष में है, एक एक राजनेता से शादी करेगी, राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी कर रहा, क्या केवल केवल है, केवल सुंदर लड़की से शादी करता है, और एक एक सुंदर लड़की है, एक का कोई फिक्स नहीं है कि वो राजनेता से शादी करेगा, वो किसी से भी शादी कर सकता है, आपसे भी कर सकती है ना, तो फिक्स नहीं है कि एक राजनेता से शादी करेगा, तो एक एक राजनेता से शादी करेगा, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। अगला, एक एक राजनेता से शादी करेगी, ये भी ठीक है, यह तो कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है, इसका मर्जी है जी, है ना, एक की मर्जी है। अब निष्कर्ष पढ़िए, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा
या तो वन या दूसरा कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। इसका आंसर कोई एक नहीं होगा, इसका नहीं तो दोनों भी नहीं होगा, या इसमें एक या दो, दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है, या तो एक या दूसरा ऑप्शन अनुसरण करता है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल इस तरह से हम लोग करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए, बाकी सवाल अपने आप बनेगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन, और ये भी रहा आपका डायरेक्शन से। श्री एक्स बिंदु ए से चलना शुरू करता है। चलिए डायरेक्शन कहीं है तो हम लोग बना लेते हैं नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट। एक्स ए बिंदु से चलना शुरू करता है जी, और पश्चिम की ओर 80 किलोमीटर चलता है। चलिए पश्चिम की ओर कितना चल रहा, 80 किलोमीटर चल रहा है यहां से। अब क्या कह रहा है कि बाएं मुड़ता है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, बाएं मुड़ता है यानी कि यहाँ, और उसके बाद 50 किलोमीटर चलता है, तो 50 किलोमीटर चला लिया। उसके बाद बी बिंदु तक पहुंच जाता है, बी बिंदु तक पहुंचने के बाद बोल रहा है कि ए और बी की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। अब यहां से बताइए कि ए और बी की न्यूनतम दूरी, ए यहाँ है बी यहाँ है, इन दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा। तो ए और बी के बीच न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा जी, 80 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 50 का स्क्वायर। आप पढ़े होंगे दसवें में ही कि ए बी सी, ए बी दिया गया है, बी सी दिया गया है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा जी, तो ए सी बराबर अंडर रूट हो जाएगा सर ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ऐसा तो पढ़े होंगे, उसी तरह से ये भी है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6400 प्लस आपका ये हो जाएगा 2500, ये पूरा हो गया क्या 8900। अब यहां से देखिए 89 × 100 इसको कर दीजिए, तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा अंडर रूट है, तो ये बाहर आ जाएगा 10 और अंडर रूट में क्या बचेगा 89, यानी कि 10 अंडर रूट 89, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए बस मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट को समझना, किस तरह से बन रहा है उसको आपको समझना है, बाकी अगर ये देख लिए आपके एग्जाम में इसी पैटर्न पे अगर आते हैं तो आसानी से आप इजिली रूप से कर पाओगे, और अगर नहीं आप लोग जानते हैं, नहीं देखिएगा, नहीं आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपके एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न आपसे छूट जाएगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने रहा नहीं क्योंकि समाप्त हो गया, पांच ही प्रश्न लेके आते हैं और पांचों को पांचों आपको करा दिया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू।